दोस्त, जब कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो ये लाइन जरूर याद करिएगा, आपके अंदर एक ज्वालामुखी भर देगा। और वह लाइन इस प्रकार है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस पटना वाले पे। दोस्त, आज जो प्रश्न लेकर के आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक प्रश्न है। इस प्रश्न में आपका यूज होने वाला है वृत्त का भी कंसेप्ट, त्रिभुज का भी कंसेप्ट, ट्रिपलेट का भी कंसेप्ट और एक अंडरस्टैंडिंग का भी कंसेप्ट यूज होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न का करते हैं पोस्टमार्टम। प्रश्न कह रहा है कि एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है और एक क्या है, त्रिभुजाकार है। और इस जो वृत्ताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार जो पार्क है उसके क्षेत्रफल का 7/15 है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर कट हो गया कि आपका वृत्ताकार का क्षेत्रफल तो तब मिलेगा जब आपका त्रिभुज के आकार का जो आकृति बना है उसका क्षेत्रफल मिले, और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा दी गई है। अब सवाल आपके सामने एक आएगा ये कि आखिर वो जो त्रिभुजाकार पार्क बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु बन रहा है, विषम बाहु बन रहा है या समबाहु बन रहा है। ये बात तो उसके भुजा को देख करके पता लगेगा। अब यही बात यहीं पे तो क्लू है, जिनको ट्रिपलेट का ज्ञान होगा इसमें एक भुजा यूज किया है, और भुजा क्या यूज किया है सो देखिए, भुजा आपका यूज किया है 110 मीटर, उसके बाद में किया है 600 मीटर, उसके बाद किया है 610। देखिए, जिनको ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं पता होगा उस भुजा को देख करके वो कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका करेंगे क्या कि चलो भुजा दिया गया है, हीरोइन सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे, फंस जाएंगे वहीं पे, वो 2-3 मिनट लगा देंगे इस प्रश्न को बनाने में। ऐसी गलती नहीं करनी है, ट्रिपलेट का ज्ञान रखिए। और ट्रिपलेट ये है, एक प्रकार से देखिएगा ना तो ये ट्रिपलेट सेट है। कैसे, देखिए 11, 60 और 61 एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट का मतलब आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो वो ट्रिपलेट है। मतलब हमने क्या कहा, हमने कहा कि 11 का स्क्वायर प्लस का 60 का स्क्वायर बराबर हो जाए 61 के स्क्वायर के बराबर, मतलब ये ट्रिपलेट है। तो हाँ, ऐसा है कि 11 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 61 के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ये ट्रिपलेट हो गया। जैसे ट्रिपलेट हुआ मतलब आपको पता लग गया कि जो जो का था आपका वृत्ताकार पार्क था और ये त्रिभुजाकार था, तो अब जो ये त्रिभुज अब बनाएंगे कैसा बनाएंगे, आपको पता लग गया है कि समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि ट्रिपलेट है, जो साइड दिया गया है वो ट्रिपलेट है। तो आप बनाएंगे ऐसा कि एक क्या होगा, ये एक त्रिभुज होगा, और त्रिभुज कैसा होगा, जो समकोण त्रिभुज होगा। अब आप यहां पे इसको कह दीजिए 600 मीटर और इसको कह दीजिए 110 मीटर और इसको कह दीजिए 610 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कहिएगा यहां तो भैया आपका 10 नहीं था, यहां आप 10 लिख दीजिए। देखिए, जब 11, 60, 61 जब ट्रिपलेट है ना, तो इसमें दुनिया के किसी नंबर के से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ट्रिपलेट रहेगा। तो यहां पे किससे गुना हुआ है, यहां पे k का मान कितना है, 10 है, यानी कि 10 से इसमें गुना करने पर ये आपका जो दी गई भुजा है वो आ गया है। क्या कोई दिक्कत है, मतलब कि 110, 600 और 610 भी ट्रिपलेट है, यानी कि जब ट्रिपलेट है तो कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब इसको आप 110 कह सकते थे, इसको 600 कह सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपके पास जो इक्वेशन दिया है कि इसकी जो एरिया है और इसका जो एरिया है मेरे भाई, तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल का 7/15 है। मतलब ये बात यहां से ऐसे कि ये जो आपका वृत्ताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आप सभी जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होगा, इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या कि होता है 1/2 आधार, मतलब बी इंटू एच, हो गया कोई दिक्कत। अब सवाल यहां पे ये है कि बोला है कि इसका यानी कि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल का 7/15 है, मतलब कि इसमें किससे गुना करेंगे, 7/15 से जब गुना कर देंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मतलब बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न अब बन गया। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब यहां से सिर्फ आर निकालना है
और आपसे पूछा है व्यास, यानी कि जैसे आर निकालिएगा, त्रिज्या निकालिएगा, तो व्यास कितना होता है? व्यास होता है आपका 2R, यानी आर निकलेगा, उसमें 2 से गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने इक्वेशन सेट है, आपके सामने क्या है, एक प्रकार से ये क्या है जी, इक्वेशन सेट है। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए भैया पाई के मान होता है 22/7, आर का है तो रहने दीजिए आर स्क्वायर। अब देखिए 1/2, हाई देखिए आधार कितना है 110, तो आप यहां से कह दीजिए 110, ऊंचाई कितनी है 600, तो आप ऊंचाई कह दीजिए 600, आ इसको ब्रैकेट, आई तो 7/15 इक्वेशन में कहा था तो कर दिए, कोई दिक्कत, काटा पिटी मचा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए काटने का भी तरीका है, कैसे काटिएगा, ऐसे देखिए 15 × 4 = 60, मतलब 40 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से काटिएगा तो 55, ए मेरे भाई इधर तो अब कुछ भी नहीं कटेगा। अब देखिए इधर 55 है, इधर 22 है, 11 से काट सकते हैं 55 को, 11 से काट सकते हैं 22 को, कोई दिक्कत है क्या, तो काट दीजिए 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, अब लिख लीजिए नहीं तो हो जाएगा कचड़ा, ठीक है ना। तो अब इधर क्या बचा है, आपका 2/7 बचा है इंटू आर स्क्वायर बचा है, और इधर क्या बचा है देखिए, देखते चलिएगा ध्यान से, 5 बचा है, 40 बचा है और 7 बचा है। ए भाई और कुछ बचा है क्या, तो आप कहेंगे ना कुछ ना बचा है मेरे भाई। अब देखिए हाई क्या चीज में है, इधर है गुना में, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो आर स्क्वायर इजकल टू हाई देखिए 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 40, 4 × 40 काहे कि यहाँ आपको पता चल जाएगा 7, हाई देखिए इधर जाएगा तो पलट जाएगा 7 ऊपर हाई 2 नीचा, कहिएगा अरे 1 + 7 था, 2 + 7 कहाँ गया, हाई वाला 2/7 उधर जाएगा तो पलट जाएगा 7/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई। अब देखिए अब आपको ऐसे करना है, इस 2 से इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5, अभी तो मजा आएगा, ऐसा सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, देखिए अभी आर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। अब देखिए तो 5 बचा है, एक और 5 बचा है, हाई देखिए 4 बचा है, हाई देखिए 2 × 7 बचा है। अब देखिए यही तो खेल था, देखिए जब यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 2 है, और 2 का मतलब होता अंदर सेम 2 संख्या में से बाहर एगो संख्या निकलता है, इसीलिए ऐसा 40 को हम यहाँ पे तोड़े थे इससे कि फायदा मिल जाए। देखिए 5 2 है, रूट के बाहर 1 × 5 निकलेगा, 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 निकलेगा, 2 × 7 है तो 1 × 7 बाहर निकल जाएगा, हो गया आंसर। देखिए 7 × 2 = कितना 14, और 14 × 5 कितना होता है 70, यानी 70 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो मीटर में आएगा। और आपसे पूछा क्या था, यही त्रिज्या, ना रे भैया ना 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 ना, कहा था कि वृत्ताकार जो है ये आपका पार्क है, इसका व्यास, अरे भैया व्यास गाने वाला व्यास नहीं है जो तबला बजाते हैं, व्यास होता है डी, डी का मतलब होता है 2R, मतलब कि 2, आर का मतलब है 70, मतलब कि यहां से हो जाएगा 140 मीटर, और यही व्यास पूछा है, यही डायमीटर पूछा है, किस वृत्ताकार पार्क का। आप अगर फिबर में कहिएगा तो यही होता है, सेंटर से दोनों तरफ छूता है, इसी को क्या कहते हैं, डी कहते हैं, यही आपसे पूछा था, जो इधर भी आर है, आर है, इसीलिए 2R होता है, तो 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर कहां पे है, D4 देवसेना। तो इस तरीके का आप अगर वीडियो चाहते हैं कि आपको बकायदा पूरा कंसेप्ट के साथ आपको वीडियो दिया जाए, और अगर इस चैनल पे पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो के एक टपटपा करके लाइक कर दीजिए, और लाल कलर के नीचे एक बेल आइकन की बटन भी दिख रही होगी उसको भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके की नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कंसेप्ट मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की तबाही वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप भी आराम करें, हम भी आराम करते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।